इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको अपना टाइम और ढेर सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा ऑडियंस के साथ इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा है जिसमें आप अपनी पैशन मानते हैं तो आप सही जगह में हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप किस विषय में इंटरेस्टेड है और आपको उसमें खुशी मिलती हो। ऐसा कि नहीं आपने किसी और को देखा जो सक्सेसफुल है और मान लिया कि आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे, ये गलत सोच है। किसी भी क्षेत्र में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको इसके बारे में रेगुलरली और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना होगा। इसलिए सही टॉपिक चूज करना बेहतर है, क्योंकि आपको इस विषय पर रिसर्च करने और कंटेंट पोस्ट करने में काफ़ी समय देना पड़ेगा। इसलिए आपको ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। जैसे आपको फूड के बारे में नॉलेज है तो उसके बारे में बनाइए, और फैशन के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में पोस्ट करिए, और ट्रैवल के बारे में इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में पोस्ट करिए। एक बार जब आप अपने टॉपिक पर फैसला कर लेते हैं तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का फाइन ट्यूनिंग शुरू करना होगा। सबसे पहले आपको बायो क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोगों का अटेंशन कैच कर सके। याद रखिए, बायो एक पहला चीज़ है, उसे ब्रांड और पोटेंशियल फॉलोअर नोटिस करते हैं। इसलिए आपको अटेंशन ग्रैबिंग बायो को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ फोटो शेयर करने से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं तो आप गलत है, क्योंकि उसका कैप्शन भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना फोटो है। इसलिए अच्छे कैप्शन के साथ फोटो डालिए। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके फीड में फोटोज एक से बढ़कर एक बेहतर महसूस होना चाहिए, ताकि लोग आपके पेज से अट्रैक्ट हो जाए। आपको कंटेंट को कंसिस्टेंटली डालना पड़ेगा। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स डेली पोस्ट करते हैं और कुछ लोग वीकली पोस्ट डालेंगे, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। हैशटैग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कंटेंट को एनी इंस्टाग्राम यूजर्स को सर्च करने में यूज़ होता है, और एक फ़ोटो में आप 30 हैशटैग्स डाल सकते हैं, और 30 को भी यूज़ करना बेहतर है। और कौन सा हैशटैग्स यूज़ करना है उसे आपको चूज़ करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि बिजनेस अकाउंट से आपको इंस्टाग्राम एनालिटिक्स का एक्सेस मिलेगा। इससे आपकी फॉलोअर्स की डेमोग्राफिक्स देखने को मिलेगा, और कौन सा पोस्ट कितना एंगेजमेंट है, कौन सा टाइम पे और कौन से दिन में, ये भी देख सकते हैं। इससे आपको कैसा पोस्ट डालना है वो समझ में आएगा। इंस्टाग्राम स्टोरीज अभी इंस्टाग्राम पर सबसे बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग इससे रोज़ इस्तेमाल करते हैं और अपनी फॉलोअर्स को बढ़ाते हैं, और जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको भी स्टोरीज मिलेगा देखने के लिए, और आप स्टोरीज में टैग कर सकते हैं। स्टोरीज आपको अपनी पेज को बढ़ाने में मदद करता है। सोशल मीडिया सभी लोगों के बारे में है, और एंगेजिंग पीपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। आपको किसी ने आपकी फ़ोटो पे कमेंट किया है तो आप उसका रिप्लाई दीजिए, और उनका भी फ़ोटो लाइक कर दीजिए। इससे आप एंगेज रह सकते हैं आपकी फॉलोअर्स के साथ। आप अपनी फॉलोअर्स के एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कंटेस्ट या गिव अवेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पोल्स का यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलर अकाउंट को फॉलो करके एंगेज रहे उनके कंटेंट के साथ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी फॉलोअर्स को ऑर्गेनिकली ग्रो करना, और दूसरा आपकी पोस्ट से पैसा कमाना। इसलिए एक बार जब आप 1000 से ऊपर फॉलोअर्स गेन करते हैं तो आप अपनी ब्रांड रिलेटेड इंस्टाग्राम पेजेस को टैग कर सकते हैं। इससे आप उनके फीड तक पहुँच सकते हैं, या आप उनसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ समय के बाद आप किसी से भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये एक गलती है जिससे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आसानी से फॉलोअर्स बनाने के लिए ऐसे करते हैं, और ये अच्छा नहीं है। आप अपनी खुद की एफर्ट से ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स बढ़ाएंगे तो आपका पेज स्ट्रांग हो जाएगा। रातों रात आपका पेज नहीं बढ़ेगा, टाइम और एफर्ट से आपको सफलता मिलेगा।